जहां राहुल गांधी के इस्तीफे ने कांग्रेस पार्टी में हलचल मचा रखी थी, वहीं एक और बड़े नेता ने इस्तीफे की बात की है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में हुई हार और 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल दिल्ली अध्यक्ष शीला दीक्षित को बुलाया है। ऐसी चर्चा है कि इस बैठक में शीला दीक्षित अपनी सेहत को लेकर अध्यक्ष पद से हटने की बात कर सकती हैं। वैसे इस बैठक में हार की समीक्षा के लिए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली प्रभारी पीसी चाको भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के साथ होने वाली इस बैठक में लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 7 सीटें हार की समीक्षा होंगी, साथ ही अगले साल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। वैसे हार की समीक्षा को लेकर शीला दीक्षित ने पहले ही एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने हार के कई कारण बताए थे और कहा था कि संगठन की नाकामी और बूथ इंचार्जों की लापरवाही के चलते पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। बैठक में शीला दीक्षित खराब सेहत के चलते राहुल गांधी से उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से मुक्त करने की गुजारिश कर सकती हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली में किसी ऊर्जावान नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। शीला राष्ट्रीय अध्यक्ष से यह भी गुजारिश कर सकती हैं कि उनसे सलाहकार के रूप में काम करवाया जा सकता है। असल में लोकसभा चुनाव के दौरान शीला दीक्षित और पीसी चाको के बीच लगातार तानातानी का माहौल बना हुआ था। हाईकमान तक संदेश भेजे गए थे कि उम्र दराज होने के चलते प्रचार में दीक्षित एक्टिव नहीं हो पा रही हैं, इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में बदलाव हो जाएगा तो दिल्ली में पार्टी को लेकर सकारात्मक संदेश जाएगा। इस मसले पर सुबह शीला दीक्षित से बात की गई। उन्होंने माना कि वह कल राहुल गांधी से मिलने जा रही हैं, लेकिन इस्तीफे के मसले पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वैसे दिल्ली के पार्टी नेताओं को शीला के पद से हटने की जानकारी मिल चुकी है, इसलिए उन्हें मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र कोचर ने इन खबरों को बेबुनियाद बताया और कहा कि शीला दीक्षित एक्टिव हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में शीला के नेतृत्व में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा और 5 सीटों पर हम दूसरे नंबर पर आए। ऐसे में शीला इस्तीफा क्यों देंगी?